या घर का। मैंने एक पोल क्रिएट किया है, इसमें लिखा है नाश्ता कहाँ का अच्छा, होटल का या घर का। तो मुझे बताइए कि ब्रेकफास्ट कहाँ का अच्छा है, होटल का या घर का, अपनी राय मुझे दीजिए। आप देख सकते हैं ये अंडा पूरा बन रहा है। अच्छा, यहाँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कभी आप दोस्त बैठ रहे हैं, लेट्स सपोज आप दोस्त हैं, दो दोस्त बैठे हैं। अब आपको दो दोस्त बैठे हैं, आप दो घंटे बैठ रहे हैं होटल के ऊपर, कम से कम आप फी बंदा तीन कट तो पिएगा, यानी छः कट तो लाजमी आनी है। और एक कट जो 50 से 60 रुपये की चल रही है, या 50 रुपये का रेट भी रखे तो 300 रुपये तो आपके लाजमी लगेंगे छः चाय के। तो वो जो छः चाय हैं उससे आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, वो इस तरह हो सकता है कि आप जो है ना ये चैनक मंगाएं। आप देख रहे हैं चैनक में होता क्या, जैसे ये चैनक 70 रुपये की, इसमें जो है वो इसमें तकरीबन जो है तकरीबन 2 कप निकल जाते हैं। और जब 2 कप निकल रहे हैं तो उसमें होता ये है कि ये पड़ रही है चैनक 70 रुपये की, 70 रुपये में आपको 2 कप मिल रहा है, सही है। अगर आप 6 कप पी रहे हैं तो आपकी आएगी 3 चैनक, तो ये हो रहे हैं 210 रुपये। यही अगर आप 6 कप मंगा रहे हैं कट के तो वो हो रहे हैं 300 रुपये, तो 90 रुपये आपके सूखे सूखे इस तरह बच रहे हैं। और अगर आपकी रोज़ की बटक है तो तकरीबन 2700 रुपये आपके 90 रुपये के हिसाब से बच के आराम से हो जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं। कोशिश किया करें कि अगर कहीं चरक नहीं मिल रही तो वहाँ फुल चाय मंगवाएँ, फुल चाय मंगवा के खाली कप मंगवाएँ और उसमें जो है भाप कर दें। उसमें ये होगा कि आपकी जो जेब है उस पर असर भी नहीं पड़ेगा, और दोस्त और अहबाब जो आराम से बैठ के चाय पी लेंगे। अगर चाय में होता क्या है, चाय में होता ये है कि जो हल्के अहबाब बैठता है उसको चाय धंधा भर के नहीं पीनी होती, उसको होती चुस्की लेनी होती है कि आपने एक सब सिप पी ख़त्म हुई भी दोबारा मंगा ली। अब वो जो एक सिप है ना वो आपको इस तरह मिलेगी या चैनक से मिलेगी, या फिर आपने फुल कप मंगाया, 2 कप आपने एक्स्ट्रा मंगाए, दो कप डाले इसमें और आपने चुस्की पी ली आपने, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से फुल कप मंगा लिया आपने। तो ये इस तरह की महंगाई का मामला चल रहा है। तो सबकी कोशिश ये होती है 2 पैसे बचा लें। तो ये है आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स और ब्रेकफास्ट के बारे में कराची की। और मुझे ये भी आपको बताना है कि जो पराठा है, आपको पता है पराठा नॉर्मली मैदे से बनता है, और जो बाहर का पराठा होता है उसमें जो है घी का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घी नहीं डलेगा तो फिर वो कड़कपन नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करता बाहर के नाश्तों को, मगर ये कि अगर आप बाहर का नाश्ता कर रहे हैं तो अपनी कैलरीज का ख्याल रखिए। और मगर ये बात तो फैक्ट है कि घर का पराठा होता है। तो मैंने पोल क्रिएट किया, मैंने पूछा है आपसे कि नाश्ता कहाँ का अच्छा, बाहर का या फिर घर का। तो पोल पे मुझे अपनी राय से आगाह करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैनक में 2 कप निकल जाते हैं, तो कोशिश करेंगे चैनक मंगाएं, ऐसे होटल में बैठेगा चैनक मिल रही है, और ताकि आपके 2 पैसे बचें। अगर आप 2700 रुपये चैनक की वजह से बचा रहे हैं उससे पहले, तो महीने के 2700 रुपये यानी 3000 रुपये लगाएं, साल के कितने हो गए, साल के हो गए 36000 रुपये। आप 36000 रुपये मेरी इस टिप और ट्रिक से जो मैंने आपको बताया बचा सकते हैं। किस तरह की, आप जब भी 2 से 4 बटे 70 वाली 100 वाली चैनक मंगाए, इसमें 3 कप निकल लें, इसमें 2 कप निकल लें। और अगर आप लोग ज़्यादा चाय पी रहे हैं, ज़्यादा बार बैठा हुआ है, तो महीने के आपने 3000 रुपये बचा सकते हैं और साल के 36000 रुपये बचा सकते हैं। तो ये है टिप और ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए पूरा 1 कप इस तरह निकला है चैनक में, और दूसरा कप भी थोड़ी बड़ा निकलेगा। तो ये चैनक आपको मिलती कट जो है आपको 50 रुपये मिलता है, चैनक में ये चीज़ आपको पड़ रही है 35 रुपये की। तो फ़ायदा है आप सब लोगों के लिए। तो चैनक ऐसे होटल में बैठेंगे चैनक है, और चैनक अगर नहीं है जिस होटल पे तो वहाँ फुल चाय मंगवाएँ, और फुल चाय मंगवा के खाली कप मंगवाएँ, और खाली कप में वो चाय आधी डालें, और फिर आप लोग चुस्की लेके चाय पिए।